गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने पिछली कक्षा में बहुत सारे सिद्धांतों को पढ़ा था अलग अलग विद्वानों के द्वारा। भूसंतुलन को समझने की कोशिश की थी हमने कि भूसंतुलन क्या होता है, ठीक है, जिसमें प्राट, एरी, हैफोर्ड और बोवी और आर्थर होम्स, इन सभी के द्वारा जो जो संकल्पनाएँ दी गई है उन संकल्पनाओं को समझने की हमने कोशिश की थी। आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर हुए हैं और वो टॉपिक काफ़ी लंबा चलने वाला है। कम से कम 10-15 दिन इस टॉपिक में लगेंगे हमको, हो सकता है कुछ ज़्यादा भी लगे। ये टॉपिक है हमारा अनाच्छादन, डेन्यूडेशन। अनाच्छादन को हम पढ़ेंगे। अनाच्छादन किसको बोलते हैं हम पढ़ेंगे, अनाच्छादन अंग्रेजी में कहते हैं इसको डेन्यूडेशन। इसको आज हम पढ़ेंगे। अनाच्छादन क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, इन सभी को हम इस क्लास में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, प्रकृति के अंदर जितने भी भूचाल आते हैं, चाहे वो ज्वालामुखी का उत्पन्न होना हो या भूकंप का उत्पन्न होना हो, ज्वालामुखी, भूकंप या अन्य किसी भी प्रकार से जो उथल पुथल, जो विषमताएं पृथ्वी के अंदर आ जाती है, पृथ्वी के उच्चावचों में जो विषमताएं उत्पन्न हो जाती है, उन विषमताओं को काटने, छाटने यानी कि समतलीकरण करने का जो शक्तियां कार्य करती हैं, उन्हीं शक्तियों को अपरदनकारी शक्तियाँ या अनाच्छादनकारी शक्तियाँ कहते हैं। बात समझ में आई? नहीं आई गुरु जी, दोबारा बताओ, दोबारा समझो। देखिए, प्रकृति के अंदर उथल पुथल करने वाली जितनी भी शक्तियाँ होती है, जैसे हम देखते हैं कि कहीं पहाड़ का निर्माण हो गया, कहीं गड्ढा है, कहीं पठार है, तो कहीं थोड़ा नीचा धरातल है, उबड़ खाबड़ जो संरचना पाई जाती है, वो उबड़ खाबड़ संरचनाओं को समतलीकरण करने का कार्य करने वाली जितनी भी शक्तियाँ होती है, उन सभी शक्तियों को अनाच्छादनकारी शक्तियाँ कहते हैं। बात आपके अब समझ में आ गई होगी। अब ये जो अनाच्छादन शब्द है, इसका निर्माण हुआ है डेन्यूडेशन से। डेन्यूडेशन शब्द जो है, ये लेटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? लेटिन भाषा। आप जानते हो लेटिन भाषा जिसको बोलते हैं, लेटिन अमेरिका की एक भाषा है ये, लेटिन अमेरिका कहते हैं दक्षिण अमेरिका को। लेटिन भाषा का डेन्यूड्रे शब्द है, डेन्यूड्रे इस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। और इस शब्द का मतलब होता है आवरण का हटना, आवरण का हटना या कटना। आवरण किसको बोलते हैं? जो खोल होता है बाहर का उसको। तो मतलब आवरण को हटाने वाली, यानी कि कह सकते हैं कि पृथ्वी के ऊपर जो हमको ये दिखाई देता है सब कुछ, जो सब कुछ हमको दिखाई दे रहा है, उस दिखाई देने में यहाँ पर देखिए बहुत सारी शक्तियाँ कार्य करती हैं। हवा भी कार्य करती है, पानी भी कार्य करता है, और इसके अलावा हिम नदी भी कार्य करती है, सब इस हमारे आसपास के क्षेत्र में कार्य करती है। भूमिगत जल जो पृथ्वी के अंदर होता है वो भी कार्य करता है। तो ये सब क्या है? इन सभी उच्चावच जो होते हैं, इन सभी को समतल करने का कार्य करते हैं, ये अनाच्छादन कहलाते हैं। अब अनाच्छादन के अंतर्गत दो प्रकार की शक्तियाँ कार्य करती हैं। अनाच्छादन के अंतर्गत दो प्रकार की शक्तियाँ कार्य करती हैं। एक तो होती है अपक्षय और एक होती है अपरदन। अपक्षय को कहते हैं वेदरिंग, W वेदरिंग कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं। और अपरदन को क्या कहते हैं? अपरदन को कहते हैं, अपरदन को मैं भूल रहा हूँ, क्या कहते हैं? इरोजन। अपरदन को कहते हैं इरोजन। तो ये दो प्रकार की शक्तियाँ हैं, ये दोनों प्रकार की शक्तियाँ इसमें कार्य करती हैं। अब देखिए, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अपरदन क्या होता है और अपक्षय क्या होता है। अब देखिए, अपक्षय किसको कहते हैं? अपक्षय एक स्थितिक प्रक्रम है। क्या है? स्थितिक प्रक्रम। स्थितिक प्रक्रम का मतलब क्या होता है गुरुजी? और ये क्या है? गतिशील प्रक्रम है।
गतिशील प्रक्रम का मतलब क्या होता है गुरुजी? चलिए दोनों को समझिए। स्थितिक प्रक्रम का मतलब ये होता है कि अपक्षय में जितनी भी शक्तियाँ कार्य करती है उन शक्तियों के माध्यम से चट्टानों का चूर्ण होता है, चट्टाने टूटती है, फूटती है, बिखरती है, लेकिन वो अपने ही स्थान पर गिरती रहती है। यानी कि मान लीजिए कोई पर्वत का विघटन हुआ, टूटा पर्वत, तो वह ऊपर से टूट करके नीचे ही जाएगा, इसके अलावा बह करके कहीं दूर जा करके निक्षेपित नहीं होगा। तो अपरदन क्या हुआ? स्थितिक प्रक्रम हुआ। कैसा कैसा प्रक्रम हुआ? स्थितिक। तो अपरदनकारी शक्तियाँ जो होती है वो स्थितिक प्रक्रम होती है, और जबकि गतिशील प्रक्रम अपरदनकारी शक्तियों में क्या होता है? अपरदनकारी शक्तियों में होता है कि ये शक्तियाँ टूट फूट करके किसी नदी, किसी जल स्रोत के माध्यम से, हवा के माध्यम से या हिम नदी के माध्यम से एक स्थान से कहाँ चल जाती है भाई? दूसरे स्थान पर ये चली जाती है। तो ऐसी शक्तियों को अपरदनकारी शक्तियाँ कहते हैं। बात समझ में आ रही होगी। अपरदन कहते हैं कटाव, बहाव, जमाव को। तीन काम होते हैं इसमें, कटाव, बहाव, जमाव। बहुत आसान भाषा में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इन तीनों को अलग अलग भाषा में कहते हैं। कटाव को कहते हैं अपरदन, बहाव को कहते हैं परिवहन, जमाव को कहते हैं निक्षेपण। ये तीन प्रक्रियाएं इसमें शामिल होती है, कटाव, बहाव और जमाव। यानी कि कोई भूभाग का पहले कटाव होगा, नदी है, बारिश होगी तो पहले किसी भूभाग को काटेगी, काटने के बाद उसको बहाएगी यानी कि परिवहन करेगी उसका, और फिर उसका निक्षेपण कर देगी यानी कि उसको किसी स्थान पर ले जाके जमा देगी। इस पूरी प्रक्रिया को अपरदन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरदन। और इसके पीछे जो बल कार्य करता है, जो शक्ति कार्य करते हैं, उसको अपरदनकारी शक्ति बोलते हैं। हमने अपरदन चक्र बना था देवीस का। देवीस ने क्या कहा था कि कोई भूभाग ऊंचा उठता है और धीरे धीरे अपरदन होता हुआ, अपरदन चक्र पड़ा था ना उसका, तो अपरदित होता हुआ समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता। तो ये भी यही काम करती है। कोई उठे हुए भूभाग को यानी कि पहाड़ वगैरह को नदियाँ क्या करती है? काटती छाटती रहती है, और उनकी मिट्टी को, उनकी मृदा को कहाँ? समुद्र में या नदी के तल में धीरे 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 करके जमा करती रहती है। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका वेदरिंग होता है यानी कि अपक्षय होता है, ये अपक्षय होने के कई सारे कारण हैं। ठीक है, तो इनके कारणों को हम देखते हैं। पहले तो अपक्षय का एक कारण क्या है, इसको मिटा देता हूँ मैं। अपक्षय का एक कारण तो क्या है? अपक्षय का एक कारण है भौतिक कारण, भौतिक अपक्षय जिसको बोलते हैं। अपक्षय के कारण है भौतिक अपक्षय। भौतिक अपक्षय के अंतर्गत देखिए बहुत सारे कारण होते हैं। भौतिक अपक्षय के अंतर्गत होता क्या है? भौतिक अपक्षय में यहाँ तापमान, तापमान एक इम्पोर्टेंट कारण है जो अपक्षय करता है। देखिए तापमान कैसे करता है। तापमान मान लीजिए सूरज की रोशनी पहाड़ों पर, चट्टानों पर पड़ रही है बहुत तेज, एकदम से तेज पड़ी, एकदम से कम पड़ी, एकदम से तेज पड़ी, तो वो क्या है? चट्टानें सिकुड़ती है, फैलती है, चट्टानें सिकुड़ती है, फैलती है। आपको मालूम है गर्म होने के बाद लगभग हर चीज़ इस दुनिया की फैलती है। ठीक है, बहुत कम चीज़ें ऐसी है जो जमती है, है ना? तो लगभग सभी चीज़ें जो फैलती है यानी कि चट्टानों के आकार में वृद्धि होती है, तो वो थोड़ी सी चौड़ी होती है, और जैसे ही सर्दी आती है यानी कि एकदम से ठंडा तापमान आता है तो वो सिकुड़ जाती है। ठीक है, तो सिकुड़ने और वापस फैलने की प्रक्रिया में क्या है, चट्टानों में क्रैक्स आ जाते हैं। उन क्रैक्स की वजह से वो चट्टानें विघटित होकर क्या करती है? अपक्षय, अपने ही स्थान पर गिर जाती है। दूसरा क्या है? ताप और वर्षा। दूसरा कारण क्या है भौतिक अपक्षय में? ताप और वर्षा। ताप और वर्षा कैसे गुरुजी? ताप और वर्षा देगी बहुत आसान है। आप एक बल्ब जलाइए, बहुत तेज जलाइए, उसके ऊपर पानी के छींटे दे दीजिए, क्या होगा? बल्ब आज वाले नहीं, ये गर्म नहीं होते बल्ब, वो 100 वाट का जो पीला वाला बल्ब पहले जलाते थे सभी लोग, वो वाला, उस बल्ब को आप जलाइए, बहुत देर तक जलाइए, कम से कम 10-15 मिनट तक जलाइए, और जलाने के बाद वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और फिर उस पर आप डाल दीजिए पानी के छींटे, तो वो क्रैक्स हो जाएगा, टूट जाएगा, फूट जाएगा। ठीक है, हो सकता है
आपको करंट भी महसूस हो, क्योंकि वो फूटने के बाद आपके पानी के छींटे कनेक्ट आपके हाथ से रहेंगे तो हो सकता है उसके तार में लगे। तो इस तरीके से जो होता है वो क्या होता है, एकदम से गर्मी पड़ने के बाद चटक जाते हैं, क्या बोलते हैं उनको, चटकना, क्रैक्स आ जाते हैं उनमें, टूट जाते हैं, विभंजन हो जाता है उनका। इस प्रक्रिया को भी, ये भी क्या होता है, भौतिक अपक्षय होता है। ठीक है, भौतिक अपक्षय के तहत तापमान और वर्षा, यानी कि पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, अचानक से बारिश हो जाती है तो पहाड़ों की चट्टाने टूट जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा एक कारण है इसका वर्षा। वर्षा से कैसा होता है गुरुजी, बाधे की बारिश जो होती है, बारिश के कारण चट्टानों के अंदर थोड़े थोड़े जो सुराख होते हैं उन सुराखों में पानी पहुंच जाता है। सुराख बोलते हैं छेदों को, उनमें जो दरारें होती है उन दरारों में क्या पहुंच जाता है, पानी। अब पानी पहुंचने के बाद वो पानी उसके अंदर ही रहता है, बाहर नहीं निकल पाता। ठीक है, मान लीजिए चट्टानों में ऊपर से क्रैक्स आ रहे हैं तो उसमें अंदर पानी गया, अब पानी निकलेगा कैसे, नीचे जाने का उसका रास्ता नहीं, नीचे चट्टान है। तो जब गर्मी पड़ती है एकदम से या धीरे धीरे, मान लीजिए गर्मी पड़ती है तो गर्मी पड़ने के फलस्वरूप पानी पकता है अंदर, यानी कि उसमें वाष्प बनता है। पानी वाष्प बनने के बाद बाहर निकलने का रास्ता मांगता है, बाहर निकलने का रास्ता नहीं होता तो वो पानी विस्फोट करता है अंदर, क्या करता है, विस्फोट, यानी कि उनमें क्रैक्स ला देता है, तोड़ देता है। तो वर्षा के माध्यम से भी भौतिक अपक्षय होता है। इसके अलावा पवन एक अपक्षय करती है। पवन कैसे अपक्षय करती है, पवन क्या होती है, उड़ती है अपने साथ कंकड़ मिट्टी पत्थरों को लेके चलती है, तो वो जिस चट्टान से जा करके टकराएगी उस चट्टान को तोड़ करके उसका अपरदन वहीं करेगी। मान लीजिए ये कोई एक टीला है कोई कैसा करके, यहाँ से कोई पवन आ रही है तेज़ गति से, अपने साथ कंकड़ पत्थर मिट्टी सब ले करके आ रही है, ये टकराएंगे इससे, ज़ोर से टकराएंगे, बहुत देर टकराएंगे, तो ये सब क्या है, टूट टूट करके बिखर बिखर करके कहाँ जाएंगे, नीचे इकट्ठे हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, नीचे इकट्ठे हो जाएंगे। तो इसी प्रक्रिया को तो हम अपक्षय कहते हैं, बह तो नहीं रहे ना, तो इस तरीके से पवन भी क्या करती है, अपक्षय का कार्य करती है। इसके बाद कुछ और अपक्षय हैं, उन अपक्षयों में क्या है, देखिए धरातल का स्वभाव धरातल क्या है, जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है। जल्दी गर्म होने और जल्दी ठंडे होने वाली चीज़ में भी क्या है, बहुत जल्दी क्रैक्स आ जाते हैं, इसलिए धरातल का भी अपक्षय होने लगता है। और क्या है, वनस्पति अपक्षय कैसे करती है गुरुजी, देखिए वनस्पति अपक्षय कैसे करती है, बड़े बड़े जो पेड़ आपने देखे होंगे, बड़े बड़े पेड़ जो है जड़, उनकी जड़ें जो है ज़मीन में पहुँचती है, पहुँचने के बाद उन जगह को क्या कर देती है, वो पोली, क्या कर देती है, पोली। इस वजह से भी वहाँ की मिट्टी जो है वो क्या हो जाती है, अपक्षित हो जाती है, यानी कि मिट्टी ढीली पड़ जाती है, और मिट्टी ढीली पड़ना ही तो अपक्षय कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा एक जैविक कारक जो होते हैं, कुछ जैविक कारक भी है, उनमें जैविक कारकों में क्या है, कुछ जंतु होते हैं जैसे खरगोश हुआ, कछुआ नहीं, और इसके अलावा सांप हुआ, चींटियां हुई, दीमक हुई, ये लोग क्या करते हैं, गुफा बनाने वाले जानवर, ये लोग क्या करते हैं, किसी भी चट्टान में जा करके, चट्टान से हमारा तात्पर्य केवल पत्थर नहीं होता भाई, ठीक है ना, फिजिकल ज्योग्राफी में जहाँ शब्द चट्टान आए उस चट्टान का मतलब केवल क्या नहीं होता, पत्थर से नहीं है, चट्टान का मतलब मिट्टी से भी है। मुलायम चट्टाने जहाँ शब्द आता है, मुलायम चट्टानों का मतलब औषधि चट्टाने हैं और वो मिट्टी ही होती है। ठीक है, कठोर चट्टानों का मतलब हम जो चट्टाने समझते हैं वो। तो जो जैविक ये कारक है, खरगोश सांप चींटियाँ वगैरह, ये क्या करते हैं, उसको खोदते हैं, खोद खोद करके अंदर की मिट्टी को बाहर ला करके रख देते हैं, वो भी एक अपक्षय का कारण है। गाय और कुत्ता वगैरह, जो बकरी वगैरह जो बैठती है अपनी जगह पर, बैठने से पहले अपनी जगह को खुरचती है वो, तो वो भी क्या है, अपक्षय का एक उदाहरण है। चींटियाँ अंदर से मिट्टी बाहर लेकर के आती है बिल में से, तो वो भी क्या है, अपक्षय का एक उदाहरण है। ठीक है, इस प्रकार से ये अपक्षय होते हैं, भौतिक अपक्षय हो गया, एक होता है रासायनिक अपक्षय। क्या होता है, रासायनिक अपक्षय में क्या होता है गुरुजी, देखिए रासायनिक अपक्षय के अंतर्गत रासायनिक क्रियाएं होती है, कुछ रासायनिक क्रियाएं जैसे जल का ऑक्सीकरण हो जाता है, क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण, जल का क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण, यानी कि ऑक्सीजन और जल के कुछ अणु मिल जाते हैं, किस में, लोहे में,
पानी और हवा जब दोनों लग जाती है उसके, हिंदी में समझिए आप, तो क्या होता है उसमें जंग लग जाता है, जिसको ऑक्सीकरण की प्रक्रिया, लौह ऑक्साइड बन जाता है, जिससे ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के तहत लोहा जैसा कठोर तत्व भी, कठोर धातु भी क्या हो जाता है भाई, वो भी जंग लग करके खिरने लग जाता है, टूटने लग जाए, अपने ही स्थान पर गिरने लग जाता है। देखा होगा आपने ये प्रक्रिया अक्सर लोहे के पदार्थों में होती है। कबाड़ा जो होता है, आपका कूलर ही देख लीजिए, आपका जो कूलर होता है, चाहे आप 2 साल पहले ही उसको लेके आए हों, बहुत ज़्यादा नए की बात नहीं कर रहा मैं, 2 साल पहले ही लेके आए हो, और जहाँ पर उसके जो कलर नहीं हो रहा, तो वहाँ पर देखना आप, क्योंकि हवा तो उसमें लगती है, कूलर का काम हवा देना है, हवा खींचना है, और पानी उसमें भरा रहता ही है, पानी रहता है भरा भी नहीं रहता तो ऊपर से गिरता है, तो अक्सर उसकी जालियाँ देखना आप, जालियों में क्या आ जाते हैं, जंग लग जाता है। वो जंग लगने के, अगर वो लगातार जंग लगता रहा तो क्या है, वो पूरी जाली आपकी डैमेज हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, अगर आप हाथ से भी चाहो तो उसको आसानी से तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये रासायनिक प्रक्रियाएं होती है। और इसके अलावा क्या होता है, देखिए ऑक्सीकरण के अनुसार घोलीकरण की एक प्रक्रिया होती है, घोलीकरण, इसको कार्बनीकरण भी कहते हैं। कार्बनीकरण में क्या होता है, चूना युक्त जल होता है, जिस ऐसा जल जिसमें चूना घुला हुआ होता है, तो चूना युक्त जल जहाँ जहाँ भी पहुँचता है वो वहाँ वहाँ क्या कर देता है भाई, अपक्षित कर देता है, वहाँ वहाँ की मिट्टी को, वहाँ वहाँ की धरातल को क्या कर देता है, वो तोड़ फोड़ देता है, अपने साथ क्या कर लेता है, घोल लेता है, जिस वजह से वो टूटा टूटा सा हो जाता है वहाँ सारा मामला, ठीक है। चूना आपने देखा होगा, हम अक्सर जब मकान पोतते हैं अपना, अक्सर खड़ी वगैरह जो होता है पहले पोतते थे, अब तो चूना कली वाली आती है बाज़ार में, उससे करते हैं, वो भी देखिया करो आप, उसमें इतने मोटे मोटे क्या होते हैं, डले होते हैं उसके, इतने मोटे मोटे पत्थर की तरह, उसको आप जैसे ही पानी में डालते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, पहले तो आप हाथ डालो तो हाथ जल सकता है आपका, ठीक है, इतना गर्म हो जाता है। तो क्या करते हैं हम, उसको जब घोलते हैं, घोलने के बाद उसमें से वाष्प निकलती है, गर्मी निकलती है, तो वही चूना युक्त जल जो पृथ्वी के अंदर होता है धरातल में, तो वो क्या करता है, सारी चट्टानों को अपने साथ मिला लेता है, और वो क्या करता है वहाँ पर अपक्षय का कार्य करता है, ठीक है, तोड़ता है फोड़ता है उनको। इस तरीके से ये घोलीकरण हो गया और रासायनिक, ये सारी प्रक्रियाएं मिलकर के क्या बनाती है भाई, अपक्ष, क्या करती है अपक्ष, आपको बात समझ में आ गई होगी अपक्षय की, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम अपरदन की प्रक्रिया क्या होती है। अपरदन की प्रक्रिया के अंतर्गत जो है कुछ अलग कार्य होता है। अपरदन में क्या होता है, देखिए अपरदन के अंतर्गत चट्टाने अपने स्थान पर नहीं टूटती, चट्टाने टूट टूट करके कहाँ चली जाती है, बह करके दूसरे स्थान पर चली जाती है। ये वाला जो लेक्चर है आपका, इसमें ज़्यादा कुछ आपको लिखना नहीं है, इसमें बस ये लिख लीजिए अपरदन और अपक्षय क्या होता है, ये लिख लीजिए ना बस, इसमें ज़्यादा कुछ आपको लिखना नहीं है, कल से आपको लिखाएंगे, कल से आपकी क्लासेस जो है इम्पोर्टेंट वाली होगी। अब आज तो मैं आपको केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इसका, कल हम एक एक प्रक्रम को पढ़ेंगे, नदी द्वारा क्या होता है, उसके द्वारा क्या होता है, उन सभी को पढ़ेंगे। अपक्षय ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपके, अपरदन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए अपक्षय के बाद हम देखते हैं अपरदन, अनाच्छादन दोनों की सम्मिलित प्रक्रिया होती है, ठीक है। अपरदन और अपक्षय दोनों की सम्मिलित प्रक्रिया को अनाच्छादन कहते हैं। अपरदन को हम देख रहे हैं, क्या कहते हैं इसको, इरोजन कहते हैं अंग्रेजी में। देखिए अपरदन के अंतर्गत क्या होता है, तीन प्रक्रिया मैंने बताई आपको, कटाव बहाव जमाव, अपरदन निक्षेपण और अपरदन परिवहन और निक्षेपण। इसके अंतर्गत ये होता है कि कोई भूभाग है उसका पहले कटाव होगा, कटाव होने के बाद वो बह करके आगे जाएगा, आगे जाने के बाद वो क्या है कहीं पे जम जाएगा, ये प्रक्रिया होती है। अब देखिए इसमें कई सारे प्रक्रम काम करते हैं और कई सारे प्रक्रम अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण कराएंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, नदी, हिम नदी, और इसके अलावा चूना युक्त जल, इसके अलावा सागरीय तरंग,
पवन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी चीज़ें क्या करती है, अपरदन का कार्य करती है। पांच प्रक्रम है, इम्पोर्टेंट है, पांचों को याद कर लेना। पांच प्रकार की शक्तियां हैं ये, पांचों प्रकार की शक्तियां क्या करती है, अपरदन का कार्य करती है। कहाँ करती है, अपने अपने क्षेत्र में करती है। ठीक है, नदी कहाँ करेगी, मैदानों में करेगी। हिम नदी कहाँ करेगी, हिम क्षेत्रों में करेगी। चूना युक्त कहाँ करेगा, भूमिगत जल में अंदर की तरफ। सागरीय तरंग कहाँ करेगी, तटों पर। पवन कहाँ करेगी, मरुस्थलों पर। ये अलग अलग क्षेत्रों में अपने अपने कार्य करते हैं। इनके कार्य कुछ अलग अलग होते हैं। देखिए, एक तो होता है अपघर्षण द्वारा, अपघर्षण। दूसरा होता है सन्निघर्षण। एक होता है अपवाहन। एक होता है घोलीकरण। एक होता है जल गति क्रिया। और एक होता है उत्पाटन। इतने जो है प्रक्रम इसमें शामिल होते हैं। ये सभी प्रक्रम मिलकर के क्या करते हैं, अपरदन का कार्य करते हैं। सन्निघर्षण, अपघर्षण मैंने सब आपको बता दिया है पहले। शायद डेविस का भौगोलिक अपरदन चक्र पढ़ रहे थे तब हमने आपको बताया था ये। सन्निघर्षण, अपघर्षण में क्या होता है, कोई नदी बह रही है, नदी के साथ कंकड़ पत्थर बह रहे हैं, तो ये कंकड़ पत्थर क्या है, यहाँ पर कटाव करेंगे, यहाँ पर कटाव करेंगे और तली में कटाव करेंगे अंदर की तरफ, तो ये रगड़ते हुए चलेंगे उससे। यानी कि यूँ समझ लीजिए, आप जा रहे हैं और ये दीवार है, इस दीवार से जब आप रगड़ के जा रहे हैं तो क्या हुआ, इसको कहेंगे अपघर्षण। क्या कहेंगे, अपघर्षण। नदी में पानी बह रहा है तो नदी के दोनों किनारे तो स्थिर है, लेकिन नदी के अंदर जो पानी बह रहा है उसमें कंकड़ पत्थर जो भी बह रहे हैं वो किनारों से टकरा टकरा कर चलते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं अपघर्षण। क्या कहते हैं, अपघर्षण। हवा जब बहती है, हवा जब बहती है तो वो भी क्या है, अपघर्षण करती है। अपने साथ जो ले जाती है उसको, उसको ले जाने की जो चीज़ें होती है, यानी कि मिट्टी, धूल के कण, मोटे मोटे कण भी होते हैं, वो सब क्या है, किसी एक स्थल स्थिर क्षेत्र से जाते हैं तो वहाँ से टकरा टकरा करके आगे चलते रहते हैं। इस क्रिया को उनको भी अपघर्षण होता है उसमें। ठीक है, सन्निघर्षण में क्या होता है, सन्निघर्षण में जैसे हम चल रहे हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके में चल रहे हैं, तो आपस में एक दूसरे से टकराते हुए चल रहे हैं हम, इस प्रक्रिया को सन्निघर्षण कहते हैं। सन्निघर्षण, नदी में जो कंकड़ पत्थर बहते हैं वो कंकड़ पत्थर आपस में ही टूट टूट करके बिखरते रहते हैं, ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई, सन्निघर्षण की प्रक्रिया कहते हैं। अपवाहन किसको कहते हैं, अपवाहन मैंने आपको पहले भी बताया है, अभी भी बताया तो थोड़ी देर पहले। अपवाहन क्या कहते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो हवा चलती है वह हवा अपने साथ कई सारे मिट्टी के कण के धूल वगैरह सब कुछ लेके जाती है और आपस में ही वो टकरा टकरा करके टूटते फूटते रहते हैं, ऐसी प्रक्रिया को अपवाहन यानी उड़ा करके ले जाना। ठीक है, घोलीकरण में क्या होता है, चूनायुक्त जल, अभी मैंने बताया था आपको, चूनायुक्त जल अंदर पृथ्वी की आंतरिक चट्टानों में जो है घोलीकरण का कार्य करता रहता है, घोलता रहता है, घोलता रहता है, घोलता रहता है, तो घोलीकरण को कहते हैं। जलगति क्रिया क्या होती है, जलगति क्रिया होती है जल उछलता कूदता आगे बढ़ता रहता है तो खड्डे करता रहता है, जल गति यानी कि जल की गति के कारण, जल तेज बहाव होता है तो आपस में किनारों पर काटता रहता है, उछलता रहता है तो गड्ढे वगैरह करता रहता है, तो जलगति क्रिया होता है। उत्पाटन तो आप समझते ही हो, उत्पाटन की प्रक्रिया में क्या होता है, जो हिम नदियाँ होती है, हिमानी होती है, ऊपर से नीचे गिरती है तो परतों की परतें उखाड़ती हुई चलती है वो। ठीक है, यानी कि मरुस्थली सॉरी हिमानी क्षेत्रों में क्या करती है, परतों की परतें उखाड़ देती है मिट्टी की, तो ऐसी प्रक्रिया जो होती है उसको उत्पाटन की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब हम कल अपरदनकारी शक्तियों को पढ़ेंगे। अपरदनकारी शक्तियाँ जो होती है वो अपने अपने क्षेत्र में काम करती है। अपरदन और निक्षेपण स्थलाकृतियों को हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।